बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इरम। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट हैंड फैशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीलिंग हैंगिंग टेंट्स और कैनोपी के आइडियाज़। बहुत ही प्यारे टेंट्स हैं बेबीज़ के रूम को डेकोरेट करने के लिए। इनमें शिफोन का फैब्रिक यूज़ किया गया है, कुछ में कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ किया गया है और कुछ में कुछ और डिफरेंट टाइप के फैब्रिक यूज़ किए गए हैं। इनके कलर बहुत ही प्यारे और फाइन हैं, बेबीज़ के रूम के डेकोरेशन के लिए बहुत ही नाइस कलर हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को सीलिंग टेंट का कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक देखते रहें। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही प्यारे सीलिंग हैंगिंग टेंट्स और कैनोपी के आइडियाज़ मिलेंगे। आप लोगों को इनमें से जो भी आइडिया पसंद आए आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेबीज़ के रूम को डेकोरेट करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो अगर आप लोग अपने बेबीज़ के रूम को डेकोरेट कर रहे हैं तो सीलिंग हैंगिंग टेंट्स को भी कंसिडर कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारे लगेंगे बेबीज़ के रूम के डेकोरेशन में। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोग कोई और हैंडमेड डेकोरेशन का आइडिया देखना चाहते हैं जो आपने हमारे चैनल पे पहले ना देखा हो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। और इसी तरह की प्यारी प्यारी लेटेस्ट और ट्रेंडी हैंडमेड चीज़ों की कलेक्शंस देखते रहेंगे। फ्रेंड्स, इन कलेक्शंस को जो आपको पसंद आते हैं उनमें से जो भी डिज़ाइन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं उन्हें ट्राई ज़रूर किया करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।